नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का स्वागत है ई एकेड 1-2-3 पर। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस, यूपीएससी संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित होती है, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो और इकोनॉमी के सेक्टर से जो आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, IIM के बारे में आज बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट मॉडल जो इंडिया में चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल, आखिर जो निवेश मॉडल की बात हम करेंगे आज, यानी जो चीज PPP के तहत अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है उसके तहत जो मॉडल यूज़ हो रहे हैं या हमारे देश में जो चल रहे हैं उन सेक्टर्स के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि लगभग ये आप यूँ मान के चलिए 1 ट्रिलियन के आसपास, यानी 60 लाख करोड़ की आवश्यकता है किसमें, इन्वेस्टमेंट मॉडल में, इतने पैसों की अभी वर्तमान में मान लिया आवश्यक है। और लगभग सरकार की जो क्षमता है 12 लाख करोड़ के आसपास है, तो जब इतना डिफरेंस आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम आउटसोर्सिंग करेंगे, जिसमें लोगों की निजी क्षेत्र से भागीदारी जो रहेगी, निजी क्षेत्र से जो भागीदारी रहेगी उसको हम आमंत्रित करेंगे और सरकार और निजी क्षेत्र की जो हम उन सबको ऐड करके एक पब्लिक के सपोर्ट के लिए एक मॉडल प्रोवाइड करेंगे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको आसानी से इस चीज़ का इंटेंशन समझ में आ जाए। सबसे पहले ये करें और अपनी बात करना है इसके लिए अवसंरचना की, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करना है, अवसंरचना विकास के, या ऐसा मान लो विकास की लागत हेतु जो चीज़ चाहिए वो इस चीज़ से अपन ये करेंगे। लगभग 55% जो होता है निजी क्षेत्र में है और लगभग 55% है, और ये 45% आपका जो है केंद्र प्लस राज्य की क्षमता है। किसकी बात कर रहे हैं, ये बिजली उत्पादन की अपन हम बात करें तो, है ना। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिया कि जब इतना इतना पोर्शन आपका निजी क्षेत्र से आ रहा है और सरकार की क्षमता इतनी है तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट मॉडल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, इतना बात तो कन्फर्म है। तो एक और सरकारी निकाय और दूसरी ओर निजी निकाय, दो निजी क्षेत्र मिलकर, एक निजी क्षेत्र और एक सरकारी, इन यूँ मान के चलिए कि इनका सह अस्तित्व हमें स्वीकार करना है हमारे जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है उसमें। और इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण व सार्वजनिक सेवा का प्रावधान है और इसमें निवेश अथवा प्रबंधन का एक निश्चित समय के लिए निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है जो कि जोखिम सुपरिभाषित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये लोग सरकार और निजी क्षेत्र टाइप करेंगे तो इनका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही रहेगा कि इसमें अगर मान लो कि कुछ जोखिम हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो के अबाउट व्हाट इज़ द थिंग बिहाइंड दैट। हियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वेन एवर द इनकम्प्लीटनेस और एनी हार्म विल अराइज इन द प्रोसेस ऑफ दैट थिंग देन डेफिनेटली यू हैव टू डू दैट। तो सबसे पहले ये आपको समझना है कि इसमें जोखिम क्या होगा, जोखिम सुपरिभाषित होता है, मतलब एक वो लिस्टेड रहता है। तो ये हर प्रकार के मॉडल्स हैं इनमें रहता है। सबसे पहले अपन एक मॉडल की बात करते हैं, बोट की बात कर ली मैंने, इसका क्या अर्थ होता है, बिल्ट फिर ऑपरेट किया इसको और फिर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये नॉर्मली 30 साल का होता है, यानी इस मॉडल के तहत आपका ये जो मॉडल है बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफ़र, इसका जो इसी से नाम से इंगित हो रहा, ये 30 साल के लिए आपको इसके साथ संपर्क में, या जो आपका एक अनुबंध है इसके साथ PPP के तहत, वो 30 साल तक एक्टिवेट रहेगा इस प्रकार का। और इसमें जोखिम जो रहेगा वो किस पर रहेगा, सरकार पर रहेगा,
ये ध्यान रखना अगर कुछ होता है ना। और ये अब इन्होंने इतना पैसा तो भाई साहब ने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन इनको कहाँ से मिलेगा? इनको मिलेगा कैसे? आपका ये हो गया टोल, जो चार्जेस होते हैं आपके, ये क्या है, यूजर चार्ज है टोल, जो आप आते हो टोल गेट वगैरह जो वसूल करती है कंपनियां रोड पर, तो वहाँ से ये लोग अपना जो इन्वेस्ट किया गया पैसा वो उनसे कलेक्ट करती है। तो उनका टारगेट रहता है कि 20 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी है उसमें एक्सप्लेन होता है। हर एक मॉडल का अलग अलग अपना कंसेप्ट, मतलब वो स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग वसूल करते। तो ये आपका टोल रेट जो होता है, जो कि रोड पर जनरली हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो उनसे वसूल करते। तो ये एक मॉडल हुआ आपका बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफ़र का, 30 साल इसकी अवधि होती है और जोखिम सरकार पर होता है। सेकंड मॉडल पर हम जब आते हैं, और इसका एनुअली भुगतान होता है, ये ध्यान रखना आपको। और उसके बाद हम आते हैं BOOT पे, अर्थात क्या हो गया, बिल्ड तो रहेगा ही रहेगा इसमें, कॉमा ऑन आ गया इसमें, और फिर ऑपरेट तो फिर भी करना ही करना, और फिर आपका आ गया ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होता है कि जोखिम जो होगा आपका निजी क्षेत्र पर होगा, यानी ज़्यादा रिस्क होगा निजी क्षेत्र पर, यूँ कह सकते हो आप, ज़्यादा रिस्क होगा इस पर, सरकार का भी होगा, लेकिन इस पर निजी क्षेत्र में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनको ज़्यादा थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसका जो जोखिम होगा वो निजी क्षेत्र पर होगा, और बिल्ट ऑन ऑपरेट और ट्रांसफ़र, ये चीज़ आपको इसमें समझनी है कि ये मॉडल होगा। फिर इसी प्रकार का एक और हम मॉडल की बात करें, BOO, इसका क्या अर्थ होता है कि ये जो होता है, बिल्ट तो आना ही आना है इसमें, बिल्ट, फिर इसको ऑन किया और क्या कर दिया, इसको ऑपरेट कर दिया, ऑपरेट कर दिया। इसके अंदर कैश अथवा जैसे भूमि वगैरह सरकार की, कोई प्लांट वगैरह डालना हो, और भी तो इसके मॉडल होते हैं। तो ये इसके अंदर ये क्या होता है, इसमें निजी क्षेत्र ही है, क्योंकि इसमें ट्रांसफर वर्ड कहीं नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, निजी क्षेत्र ही रहेगा, निजी क्षेत्र ही इसको क्या करेगा, रखेगा, ये इतना ध्यान रखना। जो इसका निवेश जोखिम वगैरह भी रहेगा, तो इस प्रकार के ये मॉडल्स आपके सामने रखे मैंने कि इसको क्या करेगा, बिल्ड करेगा, ऑन करेगा और ऑपरेट करेगा। और सरकार को कुछ प्रोवाइड करना होता है इसमें, वो एक इसमें परिभाषित होता है। तो हम और इसको समझते हैं अच्छे से, और जो इसके मॉडल्स वगैरह हैं, ये एक एक मॉडल और होता है इन्वेस्टमेंट मॉडल में, बूस्ट, बूस्ट इसको समझना है कि ये क्या होता, बिल्ड तो हुआ ही हुआ, फिर ऑन भी हो गया, फिर ऑपरेट भी हो गया, फिर थोड़ा समझने वाला है शेयर हुआ, और फिर ट्रांसफ़र हुआ, ये समझना है आपको। इस प्रोजेक्ट के हस्तांतरण के बाद भी राजस्व का बंटवारा प्राइवेट को मिलेगा शेयर के रूप में, मान ली, यदि लागत निर्धारित समय में निजी क्षेत्र को प्राप्त न हो सके। मान लो कि इसके तहत करार हुआ कि मैं, यानी निजी क्षेत्र बोले मुझे इसको बनाने में 100 रुपये लगे एक समय से, मान लो कि कोई है और 10 साल तक का ये मैंने मान लिया, तो 10 साल में इसको 100 रुपये लेने, और जब ये इतना ले ही नहीं पाए तो फिर क्या करेगा, फिर इसको शेयर कर लेगा। इस मॉडल क्या हो जाएगा, शेयरिंग आ जाएगी इसमें, कि मान लो कि अगले 10 साल तक मैं इसका 100 का 80% लूँगा, यानी 80 रुपये मुझे मिलना चाहिए। ओह, तो इस प्रकार का शेयर करके काम चलना। तो ये बिल्ट ऑन ऑपरेट शेयर एंड ट्रांसफ़र, यानी अगर ट्रांसफ़र भी कर दिया तब भी राजस्व जो है, जो भी प्राइवेट फर्म है उसको मिलता रहेगा। इसका कारण ही यही है कि समय सीमा के अंदर अगर आपका वो राजस्व की, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है प्राइवेट फर्म, अगर वो नहीं मिल पाया है, तो उस चीज़ का ये एक अच्छा है। एक होता है JV, सभी जानते हैं, जॉइंट वेंचर, ये क्या होता है,
ज्वाइंट वेंचर एक इन्वेस्टमेंट मॉडल है। इसको आप यूँ देख लीजिएगा कि ये बेंगलोर की बात होती है, हैदराबाद की बात होती है, जो एयरपोर्ट बने हैं उनमें ये मॉडल के तहत बने हैं। यानी इनमें जॉइंट वेंचर के तहत ही, जैसे कि मारुति का जॉइंट वेंचर 83 में जो आया था, तो इस प्रकार से ये। और अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल तो मैंने ये दे दिया कि बेंगलोर और हैदराबाद का जो एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है वो इसी जॉइंट वेंचर की तरह हुआ है आपके समय। और इसको किसने बनाया है, GMR कंपनी द्वारा जो है उसने इसको प्रिपेयर किया था। तो एक ये आपको ये समझना था, एक इस प्रकार के मॉडल, ये भी एक इन्वेस्टमेंट मॉडल है। उसके बाद आता है MC, मैनेजमेंट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है, इसमें प्रबंधन को संविदा किया जाता है, हायर किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रबंधकों को संविदा के तौर पर हायर किया जाता है जैसे। और इसका जो आपका ये क्या रहेगा, जोखिम पूराई सरकार के पास रहेगा इसका, ये ध्यान रखना। और प्रबंधन जो ये MCA मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसके पास रहता है, तो ये समझना। और ये जो फंड्स वगैरह आते हैं, और जब इन चीज़ों को समझते हैं तो इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें और भी आगे लिंक होती है, जैसे असेट लाइबिलिटी मिसमैच जब होता है इसमें क्या हो गया, असेट लाइबिलिटी मिसमैच, ये तीन चीज़ अपन को सबसे पहले समझनी है। एसेट क्या हो गया, परिसंपत्ति हो गया, और ये लाइबिलिटी देनदारी, और ये मिसमैच बेमेल। तो इस प्रकार की इन चीज़ों को अपन को आगे चल के समझना है। कैसे समझना है, क्या समझना, टेकिंग आउट फाइनेंसिंग क्या होती है, आउटसोर्सिंग कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन को समझना है। वायबिलिटी गैप क्या होती है, वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। ये मान लो कि कोई टोल टैक्स एक है, सॉरी टोल टैक्स नहीं होता, वो टैक्स नहीं, वो यूजर चार्जेज आपका, तो ये आपका टोल चार्ज मान लो कि है। इसको एक रोड को प्रिपेयर करने में 10,000 करोड़ लगे आपके, मान लिया। और सरकार ने जब आपको प्रोवाइड किया, जो राजस्व इससे आपको मान लो कि प्राप्त हुआ 8,000 करोड़ प्राप्त हुआ राजस्व, तो जो ये आपका घाटा हुआ 2,000 करोड़ का, ये क्या असेट लाइबिलिटी मिसमैच है। इसको आपको ऐसे समझना है कि जब आर्थिक व्यवहारिकता में इसको समझें, तो ये पैसा कौन देगा फिर, ये तो इतना ही मिला इसको प्राइवेट कंपनी को। तो ये जब चीज़ें इस प्रकार की होती है, तो ये हमें समझना कि अगर मान लो कि ये कहाँ हुआ प्राप्त हुआ, तो ये सरकार देगी उसको, किसको, प्राइवेट कंपनी को। और अगर ये मान लो कि 10 की जगह 12,000 करोड़ प्राप्त हो जाता, मान लो कि इन्वेस्ट किया और कंपनी को प्राप्त हो गया 15,000 करोड़, तो 3,000 करोड़ आपका क्या है, इसको प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जिसको ये क्या बोलते हैं हम, इसको एक नेगेटिव ग्रांट बोलते हैं। क्या करेगा इसमें, सरकार क्या करती है, लेती है नेगेटिव ग्रांट में। नेगेटिव ग्रांट में क्या करेगी, जब ज़्यादा कोई चीज़ आ जाती है, तो सरकार, एक सरकार हो गया और एक आपकी कंपनी हो गई, तो नेगेटिव, जब नेगेटिव ग्रांट जब होती है उसमें जब ज़्यादा पैसा आ जाता है, रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है इनके पास, इन कंपनीज के पास, तो ये सरकार को देती है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ गई कि इनको उस जो रेवेन्यू इन्वेस्ट किया उसका पैसा ही प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर सरकार उनको देती भी है ना। तो ये असेट लाइबिलिटी मिसमैच का जो एक कंसेप्ट था वो अपन ने इस प्रकार समझा कि वायबिलिटी गैप फंडिंग, और एक होती है नेगेटिव ग्रांट। ये दो चीज़ आपको समझनी है, वायबिलिटी गैप फंडिंग और एक होती है NG नेगेटिव ग्रांट। इन दोनों चीज़ में, इसमें क्या, नेगेटिव ग्रांट में क्या करती है, सरकार जो होती है वापस लेगी, सरकार के पास आएगी, और जब ज़्यादा पैसा आ गया है तो ये सरकार उसको प्रोवाइड करेगी, मतलब उसका जब वो
इन्वेस्टिंग कंपनी है, जब उसने कुछ किया और उसको उस चीज़ की पूर्ति नहीं हुई, मान लो कि उसको जो मैंने एक्सप्लेन किया कि 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, वो उसने किया और उसको इतना प्राप्ति नहीं हुआ, 10,000 करोड़ का मानो कि ये लागत हुआ, तो 2,000 करोड़ उसको देना है, और अगर ज़्यादा प्राप्त हुआ तो सरकार लेगी, सिंपल। तो इन दो टर्म्स को समझना था, तो ये इन्वेस्टमेंट मॉडल है इस प्रकार से, तो मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको इसमें कोई और चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में इसको आसानी से लिख सकते हो, और भी मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाबा, श्याम भाटिया।